वेल तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया हो गए। गाइस आप सभी लोग का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। भाई साहब कलुए थोड़ा स्लो बे, थोड़ा स्लो। अबे यार तू चिल्ला मत यार। अभी गाइस आप सभी लोग देख सकते हो हम एक गाड़ी टेस्ट कर रहे हैं जो कि गाइस हमने पुरानी ली है। देख कर गाइस आपको लग रहा होगा कि हाँ यार गाड़ी में दम तो है। गाइस यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि बहुत ही सही प्राइस में हमें मिल गई गाड़ी। बताना कैसी है यार, बहुत ही सही है यार। आगे से गाइस उसका लुक बहुत बढ़िया है। एंड गाइस यहाँ पर इंटीरियर तो आप सभी लोग देख ही सकते हो कितना ज्यादा मस्त है इस गाड़ी का। मैं गाइस इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर निकला था। और यार ये टेस्ट ड्राइव हमारी आखिरी ड्राइव होने वाली है क्योंकि ड्राइवर फ्रैंकली भैया है ना। चुप कर भाई साहब, बकवास मत कर। गाइस देखो मैं गाइस यहाँ पर ये गाड़ी कम से कम ठोकने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस यहाँ पर मेरा यहाँ पर एक टारगेट है कि अब से मैं गाड़ी ना ठोका करूं। गाइस यहां पर एक दिक्कत आती है मुझे, मैं आप सब लोगों को बताता हूं क्या। अगर आप सब लोग ये शीशे में देखो तो गाइस पीछे कोई भी नहीं है, बट गाइस अगर असल हम देखें तो गाइस असल में पीछे बंदे हैं। मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही कि ये गाड़ी की दिक्कत है या फिर भाई साहब यहाँ पर कुछ अलग सीन है। पता नहीं गाइस यहाँ पर क्यों शीशे से कुछ भी नहीं दिखता। गाइस इसी के कारण मैं हमेशा गाड़ी ठोकता हूँ। अरे यार देखो देखो फ्रैंकली भैया ने कैसे अपनी गंदी ड्राइविंग का इंजाम सारा यार अपनी गाड़ी पे ठोक दिया। अबे ओ मेरी ड्राइविंग की कोई गलती नहीं है बे, मैं एकदम सही ड्राइव करता हूँ। मेरी ड्राइविंग की भाई साहब कोई भी गलती नहीं है यार, क्योंकि गाइस आपने देखा होगा हमने गाइस लॉस सैंटोस में इतनी चोरियां की, इतना कुछ किया है यार। एंड गाइस यहाँ पर हर जगह भाई साहब मैंने ड्राइविंग की है। मैं गाइस यहाँ पर पुलिस से गाड़ी बचा कर लेकर निकलता हूँ तो भाई साहब इसका मतलब मेरी ड्राइविंग सबसे बेस्ट है। भाई साहब कलुए यार आज मौसम मेरे को अच्छा लग रहा है बे, बहुत दिनों के बाद। अबे यार लॉस सैंटोस में मौसम आजकल हमेशा अच्छा रहता है यार। भाई साहब आज ही गाइस यहाँ पर थोड़ा तेरे को अच्छा लग रहा है। अबे ये क्या चल रहा है बाहर? अरे यार लगता है कोई सुपरस्टार आया है। सुपरस्टार आया भाई साहब लॉस सैंटोस में सुपरस्टार आया है। गाइस यार एक फोटो तो मेरी भी बनती है। भाई साहब कौन है कौन है कौन है यार, देखे तो गाइस यहाँ पर कौन सा सुपरस्टार आया है। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। अबे भाई साहब गाइस यहाँ पर ये तो कोई मूवी का स्टार लगता है। अबे यार गाइस ये फेमस तो है यार, इतने सारे लोग इसके साथ फोटो खिंचवाने को लगता है यहाँ यहाँ पे। पर गाइस यहाँ पर मेरे को तो कोई शौक नहीं है फोटो खिंचवाने का इसके साथ। अरे यार मैंने खिंचानी है यार, इसका नाम जोश है। अबे हमने क्या लेना जोश से? भाई साहब कलुए बे बहुत ही बड़ा यार सुपरस्टार है ये। अबे होगा सुपरस्टार। अरे सर सर पीछे रहिए, यहाँ पर आपको फोटो नहीं मिलेगी, बारी बारी सबको मिल जाएगी। अरे मैं तेरे ये सुपरस्टार के साथ फोटो खिंचवाने नहीं आया। भाई साहब बकवास कर रहा है, बेइज्जती मार रहा है मेरी। अरे सर सर एक फोटो मेरे साथ, सर सर एक फोटो, सर सर प्लीज 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 सर, सर बहुत देर से खड़ा हूँ सर, सर एक सेल्फी सर, सर सर इधर इधर स्माइल स्माइल। हेलो हेलो। अरे सर बस बस बिल्कुल सही। अरे सर क्या फोटो आई है सर, अपलोड करूंगा सर, लाइक आएंगे। हाय सर एक सेल्फी। नहीं नहीं और नहीं मिलेगा, निकलो निकलो, सर को बहुत काम है यहाँ पे। सर यहाँ पर नहीं आए, सर यहाँ पर शूटिंग के लिए आए हैं। अबे यार गाइस क्या यार, ऐसे सुपरस्टारों में गाइस इतना ज्यादा घमंड होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। वैसे गाइस सही बात है यार, हमें भी गाइस यहाँ पर लॉस सैंटोस में सुपरस्टार बनना पड़ेगा भाई साहब, तभी इतनी ज्यादा हमारी भी बातचीत होगी। अरे सर बिग फैन सर, सर एक फोटो, सर प्लीज एक फोटो, सर बहुत काम है घर पे, सर एक फोटो खिंचा कर चला जाऊंगा सर। अरे चल चल पीछे से नहीं आना, आगे से आ जल्दी से, ऐसे सर नहीं बात करेंगे किसी से। अरे बस एक फोटो करवा दो यार सर से, प्लीज प्लीज एक फोटो बस। अरे नहीं मिलेगी, चल चल निकल यहाँ से। अरे बस एक एक, मैं सर को बहुत देर से फॉलो कर रहा हूँ, बस एक फोटो होगी। अबे नहीं तो नहीं, तू समझ नहीं रहा क्या? अबे भाई साहब तूने कैसे मारा उसको? भाई साहब तुम्हारी ऐसी तैसी बॉडी गार्ड्स की ऐसी तैसी, गाइस तुम्हारी तो उसको कैसे मारा? अरे हेलो हेलो क्या कर रहे हो तुम ये? अबे ओ तेरे फैंस तेरे से फोटो खिंचवाने आ रहे हैं तो क्या कर रहे, खिंचवा लेना। भाई साहब उसको मारा उसने, तेरे बॉडी गार्ड ने। अरे तो क्या हुआ? मेरे बॉडी गार्ड मेरी हेल्प करते हैं, तुम कौन होते हो ये सब करने वाले? ओहो हो देखो गाइस देखो भाई साहब तुम्हारे सुपरस्टार में कितनी अकड़ है। भाई साहब देखो देखो इसके फैन हो तुम, इसके जो कि भाई साहब अपने फैंस का ये हाल करता है, ये देखो इसका क्या हाल हुआ। अरे हाँ हाँ ये भैया सही कह रहे हैं, ये सुपरस्टार्स में बहुत अकड़ आ चुकी है। अरे अब हम इनके गुलाम नहीं बनेंगे, हमको नहीं खिंचवानी इससे फोटो। अरे हाँ हाँ ऐसो से फोटो क्यों खिंचवाए हम, जो कि अपने फैंस को मारते हैं। अरे हाँ हाँ चलो चलो निकलते हैं यहाँ से, हमको नहीं चाहिए इसकी फोटो। अरे अरे गाइस गाइस आप गलत समझ रहे हो, उसने थोड़ा फोर्स किया इसीलिए उसको मारा गया है। अरे नहीं नहीं तुम बहुत बेकार हो, बेकार। अरे हाँ तुम बेकार हो। अरे चलो चलो हम सब चलते हैं यहाँ से, हमको नहीं खिंचवानी से फोटो। अरे हाँ लेट्स गो एवरीवन, हमको नहीं चाहिए इसकी फोटो, चलो चलो सब चले निकलो यहाँ से, इससे नहीं खिंचवानी हमने फोटो, अकड़ करता है ये तो। अरे नहीं नहीं गाइस समझने की कोशिश करो, मैं ऐसा नहीं हूँ। अरे चलिए सर यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हमसे गुस्सा हो गए सर, हमें निकलना पड़ेगा इससे पहले कि न्यूज चैनल वाले आ जाए। सर बैठिए। अरे यार ये तुम सब क्या करते हो, तुमने फैंस को गुस्सा कर दिया बहुत ज्यादा। अरे सर ये उस आदमी के कारण हुआ है जो कि पीछे खड़ा है। अरे ये जो भी बंदा था इसकी डिटेल निकलवाओ, ये नहीं बचना चाहिए हाथों से जो ये काम करता है ऐसे। अरे हाँ हाँ सर हम इनकी डिटेल निकलवाते हैं सर, जरूर निकलवाते हैं।
अबे यार भाई साहब ठीक तो आप? अरे सर आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने उस सुपरस्टार की असली इमेज हमारे सामने लाई है सर। अरे कोई नहीं, वो तो मेरा फर्ज था। वैसे भी भाई साहब ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं होता जो कि अपने फैंस का ये हाल करे। अरे बिल्कुल यार, वो हमें डिजर्व नहीं करता था। बिल्कुल, चलो कोई नहीं भाई साहब। अरे यार क्या बात है यार, आपने यार पूरे सुपरस्टार की ऐसी तैसी कर दी। भाई साहब कलुए किस बड़े आदमी से पंगा ले लिया अब तूने? अबे मैंने क्या पंगा लिया यार, वो बंदा फोटो खिंचवाने आ रहा था, उसके बॉडीगार्ड ने उसको इतनी जोर से मारा। भाई साहब देख यार, इन पे अकड़ बहुत होती है। अबे देख सभी अकड़ निकल गई, सभी लोग अब उसी के बारे में बात कर रहे हैं गाइस वहां पर खड़े होकर कि वो सुपरस्टार कितना ज्यादा बेकार था ये सब। अरे यार चलो अब तो घर चले यार, हमने तो बहुत ज्यादा कुछ कर दिया है, लगता है हम न्यूज में आने वाले हैं। अबे ना बाबा ना, मैं न्यूज में ना हूँ। भाई साहब तेरी खबर आएगी, सुपरस्टार का असली चेहरा लाया सामने, फ्रैंकलिन क्लिंटन। अबे ना बाबा ना, मेरे को ऐसा कुछ भी यहाँ पर न्यूज नहीं चाहिए यार, जैसा है वैसा ठीक है यार। गाइस मैंने कौन सा बहुत ही बड़ा काम कर दिया, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ उसके बॉडीगार्ड को मजा चकाने की सोची थी। ये तो भाई साहब सभी लोग उसी के बारे में बात करने लगे। चलो वैसे अच्छे ही है गाइस, उसकी असली शक्ल सबके सामने आ गई यार। चलो यार अब जल्दी से घर चलते हैं भाई साहब, इसे पहले कि सच में न्यूज वाले हमारे पीछे आ जाएं। भाई साहब चल जल्दी से खड़ी कर दे आगे जाके। अबे खड़ी कर रहा हूँ, रुक। गाइस देखो यार कितनी ज्यादा मस्त हमारी गाड़ी थी, आप सभी लोगों को दिखी यार। गाइस देखो पहली बार मैंने गाड़ी बिल्कुल भी यहाँ पर खरोच तक नहीं आने दी इस पे। अरे यार पहली बार आपने गाड़ी सही चलाई है और यार सही काम भी किया है। अबे यार गाइस मैं कभी कभी लॉस एंजेलिस में मस्त काम कर देता हूँ यार, क्या ही बताऊँ आपको। भाई साहब कलुए अब देखना भी, तेरे को कॉल आएगी एक, जहाँ पर तेरे को बोला जाएगा कि तूने ये सब क्यों किया, और अब तेरे को भाई साहब पक्का मारने की धमकी देगा वो सुपरस्टार, उस पे पैसा बहुत होता है। अबे देता रहे, हम कौन सा डरते हैं किसी से। गाइस यहाँ पर बंदूकें हमारी भी रेडी रहती हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे भी गाइस यहाँ पर मैंने गलती क्या किया, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ उसका सही चेहरा सामने लाने की कोशिश की थी। अरे यार हाँ यार, उसका सारा असली चेहरा सबके सामने आ गया यार, कि वो कितना ज्यादा घमंडी है यार। अबे हाँ यार, उसने अपने बॉडीगार्ड को गाइस कुछ भी नहीं कहा, वो गाइस अपने बॉडीगार्ड को कुछ भी नहीं कह रहा था। गाइस अगर वो असली बंदा अच्छा होता तो गाइस वो अपने बॉडीगार्ड को बोल सकता था कि हाँ भाई तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे फैन के क्यों मारा तूने, पर उसने कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब वो भाई अकड़ वाला बंदा था। अरे चलो हमने क्या लेना यार, उसकी असली चेहरा सबके सामने आ गया तो बढ़िया है ना। चलो गाइस अब जल्दी से यार, नींद आ रही है मेरे को तो सोने दो। अरे सीधा। अरे हाँ सर बिल्कुल सीधा जाना है, तूने लोकेशन तो बिल्कुल सही निकलवाई है ना। अरे सर बिल्कुल टनाटन सीधी, जल्दी से बताना काम पर रुकना है। अरे सर मैप तो कह रहा है थोड़ा पीछे। अरे यार क्या आगे पीछे कर रहा है, कौन सा घर है ये तो बता। अरे यार सर वही होगा जो लास्ट वाला है। अच्छा ये है उसका घर। अरे हाँ सर वो यही है। सर वैसे हम करने क्या वाले हैं? बस जैसा प्लान किया बिल्कुल वैसा ही करेंगे। इसको क्या लगता है मेरी जिंदगी खराब कर ये चैन से बैठ लेगा? इसके कारण कोई भी मेरे से बात नहीं कर रहा, इसके कारण कोई भी मुझे बुला नहीं रहा, अब इसके साथ भी कुछ ऐसा ही करूंगा मैं। अरे सर क्या करने वाले हो? तू टेंशन मत ले, बस तू अपना काम कर, मेरा बॉडीगार्ड है ना बॉडीगार्ड बन कर रहा है। अरे ठीक है सर जरूर। चलो आजा मेरे पीछे स्लोली इसका देखते हैं। अरे सर थोड़ा ध्यान से जाना, आप इतने बड़े सुपरस्टार होकर चोरों जैसे काम कर रहे हो। अब तू मुझे बताएगा क्या चोरों वाले काम होते हैं क्या सही काम होते हैं? शांति से रह, चुप वहाँ पर कुत्ता बैठा है। अरे सर उसको नहीं उठेगा वो। हाँ सोया हुआ लगता है, हमने तो अपने बंदे को ढूंढना है, कहाँ है? अरे वो रहा। अरे सर आपकी नींद उड़ाकर खुद चैन की नींद सो रहा है। ठीक है, कितनी देर तक सो लेगा? जल्दी से कॉल कर जिनको बुलाना था। अरे सर वो वही बंदे को बुलाना है। हाँ बुला जल्दी से, इसने मुझे इतना अकेला कर दिया, मैं इसको अकेला कर दूंगा देखना। चले काम कर, जल्दी से उनको कॉल कर। अरे ठीक है सर कर रहा हूँ। अरे सामान तो सारा लेकर आया तू? जी सर सामान पूरा है आपका, आप एक बार चेक कर सकते हैं। रुक देखता हूँ। हाँ पूरा है। वो वायर्स कहाँ पर पड़ी हैं? वायर्स सर वो पीछे वाले डब्बे में मिल जाएंगी आपको। अरे यार सर क्या करने वाले हो? तू टेंशन मत ले, मेरे को पता है ना क्या करना है। चल ठीक है थैंक यू। अब जल्दी से उसको उठाकर वहाँ पर लेकर आ जहाँ पर बोला है। अरे सर वो कुत्ते के घर के पास। बिल्कुल आ जा, इसके बाद ये सामान वहाँ पर लोड करवाते हैं, फिर इसका मैं करता हूँ कुछ। अरे सर डन। देखो कितनी गहरी नींद में सोया पड़ा है। चलो सर मैं अंदर लेकर आ रहा हूँ, अंदर सब रेडी है। अरे सर क्या मैं जान सकता हूँ आप इसके साथ क्या कर रहे हो? अबे बस थोड़ी और वेट कर ले, जल्दी जान जाएगा। अरे सर मुझे ये सेटअप आपका बहुत अच्छा लगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा कहाँ है। बस अब थोड़ी देर चुप रहे, मेरे को काम करने दे। अरे यार सर चलो कोई नहीं, मैं दरवाजे पे पहरा दे रहा हूँ ताकि कोई अंदर ना जाए, आप बिंदास काम करो अपना, जब हो जाए मुझे बता देना सर। अरे तूने इसको वापस भी छोड़ कर आना है? अरे ओके सर ठीक है कर दूंगा, आप थोड़ा जल्दी कीजिए। बस हो जाएगा थोड़ी देर में। अरे चल हो गया जल्दी से जाओ, आप लेकर जाए इसको वापस। अरे सर हो गया क्या? अबे हाँ हो गया, इससे पहले कि होश में आ जाए जल्दी से इसको अपने उसके बेड पे वापस रख दे। ओके सर डन। ओ भाई साहब
गुड मॉर्निंग गाइज। यार ये सुबह सुबह इतनी आवाज क्यों कर रही है यार ये चीजें। भाई साहब गाइज देखो ये बॉल गाइज इतना क्यों हिल रही है। लगता है गाइज यहाँ पर लॉस एंजेलिस में अर्थक्वेक आया है। चलो वो सब बातें छोड़ो गाइज। यहाँ पर शाम को मतलब कल दोपहर को मैं एक बार सो गया, उसके बाद तो भाई साहब पता भी नहीं लगा गाइज मैं कब उठा यार। मतलब अब मैं सीधा अगले दिन जाकर सुबह उठाऊँ और भाई साहब उस बॉल को हो क्या रहा है भाई। गाइज यार इतनी हवा भी नहीं चल रही और भाई साहब ये क्या वो चेयर भी हिलने लग गई। ये गाइज सुबह सुबह लगता है भाई लॉस सैंटोस में कुछ अलग ही काम चल रहा है। चलो छोड़ो वो बातें। ओ भाई अबे यार दीवार किसने तोड़ दी। अरे यार फ्रैंकलिन भैया उठ गए क्या यार, इतनी लेट कैसे हो गया आज सुबह सुबह यार। पता नहीं यार मैं लेट कैसे हो गया, पर भाई साहब ये क्या हो रहा है। अरे यार ये क्या हो गया यार। अबे यार गाइज यहाँ पर वो टूट गया भाई साहब। वो कैसे टूट गया। अबे गाइज ये सारी चीजें अपने आप कैसे टूट रही हैं यार। शिनचैन भाई साहब क्या किया तुमने। अरे यार ये क्या कर रहे हो यार, इतना ज्यादा दबाव क्यों डाल रहे हो। बे भाई साहब ये क्या हो रहा है। अबे यार चुप बाहर आ यार, क्या कर रहा है यहाँ पर बैठ के। भाई साहब इतना धक्का क्यों दे रहे हो। अबे भाई तेरी टट्टी उड़ रही है। भाई साहब वो तो मैंने लगता है थोड़ी हल्की की होगी। अबे यार बाहर आ क्या कर रहा है। बे भाई साहब हिलने देगा तो है। अबे शिनचैन तू इतना क्या यार ये दीवार के पास लग गया। अरे यार आपके पास आ नहीं पा रहा हूँ यार, जाम हो गया हूँ, आप मेरे से दूर जाओ यार। जैसे जैसे आप मेरे पास आ रहे हो मैं दूर जा रहा हूँ। क्या एक सेकेंड ये ले भाई साहब दूर चला जाता हूँ ये ले। अरे अरे अब ठीक है यार, अब ठीक है। चल फिर इधर आ जल्दी से। अरे यार फ्रैंकलिन भैया मैं आपके पास नहीं आ पा रहा यार, देखो यार पूरा जोर लगा लिया है। अबे ओ भाई साहब अबे तेरी की। अरे यार क्या कर रहे हो यार, जैसे आप मेरे पास आते हो मैं आपसे दूर चला जाता हूँ यार। अबे ये क्या नई मुसीबत आ चुकी है गाइस, यहाँ पर मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ यार चीजें मेरे से दूर दूर जा रही है, ये क्या हो रहा है। भाई साहब कलुए अबे क्या किया बे रात को तूने। मैंने तो कुछ भी नहीं किया यार, रुको गाइस यहाँ पर बाहर जाता हूँ। अबे अरे सर फट गया यार, आप मेरे से दूर जाओ यार, आपके कारण मैं आगे भी नहीं आ पा रहा। अबे रुक रुक यार मैं तेरे से दूर जा रहा हूँ गाइस, यहाँ पर जल्दी से दूर चलते हैं। अबे यार गाइस गाड़ी, अबे भाई साहब गाड़ी में। अबे यार गाइस ये गाड़ी तो गाइस देखी देखी लग रही है मेरे को। कहाँ पर देखी थी ये गाड़ी। एक सेकंड गाइस इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं सबसे पहले, तो तभी कुछ होगा। ये गाड़ी के अंदर गाइस मैं आराम से बैठ पा रहा हूँ यार। चलो गाइस। अबे गाइज मैं जैसे जैसे किसी चीज के पास जाता हूँ वो चीज मेरे से दूर कैसे हो रही है यार। गाइज ये क्या दिक्कत है, नई दिक्कत भाई साहब आ गई है, ये कैसे हो सकता है। अरे यार फ्रैंकलिन भी आपके पास आने की जितनी कोशिश करूँ यार उतना दूर जा रहा हूँ मैं। अबे यार रुक रुक मैं तेरे पास आता हूँ ना भाई साहब, इतना क्या दिक्कत की बात है। अबे भाई साहब आप गाड़ी लेकर इतनी दूर होते रही गाइज, ये इतनी सारी फोर्स कैसे आ रही है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया यार पूरा जोर लगा लिया है पर मैं आपके पास नहीं आ पा रहा। अबे यार गाइज मैं जिस जिस चीज के पास जा रहा हूँ वो मेरे से दूर जाती जा रही है यार। ओ तेरी की भाई साहब गाइज मेरे पास कोई ना आना भाई, मेरे पास जो आएगा वो गाइज फट जाएगा यार। ये देखो जैसे जैसे गाइज मैं इन गाड़ियों के पास आता हूँ ये गाड़ियाँ मेरे से दूर जा रही है यार। बस गाइज वो गाड़ी क्यों नहीं जा रही फिर भाई साहब, इस गाड़ी को कुछ भी नहीं हो रहा यार। ये गाइज मुझे गाड़ी याद है यार किसकी थी। ओ हाँ भाई कल शाम को जो ये सुपरस्टार का भाई साहब हमने ऐसी तैसी मारी थी, ये तो उसी की गाड़ी है। पर ये गाड़ी मेरे घर में क्या कर रही है। ओहो गाइज समझ गया यार, उसने पक्का मेरे साथ कुछ किया है। अरे यार क्या किया है पर वो नहीं समझ आ रहा। अबे यार ये पक्का उसने कुछ किया है यार मेरे साथ, तभी यार गाइस मैं किसी बंदे के पास नहीं जा पा रहा। मतलब आप सभी लोग कह सकते हो मेरे पास कोई नहीं आ सकता अब। अच्छा गाइस समझ गया मैं, कल वाली बात के बाद गाइस पक्का उसके पास कोई भी नहीं आ रहा होगा, सब उससे दूर भाग रहे होंगे क्योंकि भाई उसको हेट मिल रही थी कल, इसी के कारण गाइस उसने मेरे पे कुछ कर दिया यार, जिसके साथ अब मेरे पास भी कोई नहीं आ सकता यार। मैं जिसके पास जाता हूँ वो मेरे से दूर चला जाता है। अबे यार भाई साहब गाइज नहीं इसके अंदर मेरी गाड़ी खड़ी है यार, यहाँ पर नहीं जा सकता यार। अबे यार गाइज ये गाड़ी यार कब तक दूर जाएगी यार, रुको मैं इसके पास जाने की। अबे गाइज इसके अंदर बैठने की कोशिश नहीं कर सकता मैं, और यार मैं आपके पास आने की कोशिश नहीं कर सकता। अबे यार गाइज इसकी ऐसी तैसी यार, गाइज कहाँ है ये यार, इसने मेरे साथ क्या कर दिया। पर भाई साहब मैं तो रात को सोया पड़ा था, ये कब आ गया। बे भाई साहब कलुए यार क्या हो रहा है बे, बाहर इतनी आवाज क्यों आ रही है। अबे यार चुप देख तो यार, मेरे पास कोई नहीं आ सकता यार, वो सुपरस्टार ने मेरे साथ कुछ कर दिया यार कल रात के बाद। भाई साहब रुक बे, मैं तेरे पास आने की कोशिश कर रहा हूँ और दूर जा रहा हूँ भाई साहब, भागो 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 भागो। अबे यार गाइस देखो जैसे मैं दूर जाता हूँ चुप यहाँ पर आ सकता है, बट अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो चुप पक्का मेरे से दूर जाएगा। भाई साहब बे नीचे क्यों गिरा रहे बे, पागल हो गया क्या। अबे यार गाइस ये क्या हो रहा है। अबे शिनचैन तेरे को क्या हुआ। अरे यार आपके पास आते ही उड़ने लगता हूँ। अबे यार ये सब वो सुपरस्टार ने किया यार, वो है कहाँ भाई साहब, इसकी ऐसी तैसी गाइस, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। इसने गाइस पक्का रात को मेरे साथ कुछ कर दिया यार। अबे शिनचैन तू छत पे कब चढ़ गया। अरे यार आपके पास आता हूँ तो यार आपसे दूर चला जाता हूँ, क्या करूँ यार, मेरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मैं क्या कर सकता हूँ। अबे यार गाइस मैं ये फायर वाली गाड़ी को देखो आराम से गाइस यहाँ पर पछाड़ सकता हूँ, जो की बहुत ही भारी होती है। गाइस यार ये तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है यार, भाई साहब उसने क्या किया ये मेरे साथ। बिल्कुल मैंने उसके अंदर चिप डाल दिया जो कि बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। अब मैं यहाँ से अपने आप उसकी रेंज बढ़ाता रहूंगा
और जो भी उसके पास आएगा वो उससे दूर जाता रहेगा। अब कोई भी उसके पास नहीं आ सकता, देखा? मेरी ऐसी तैसी करने चला था, अब वो खुद अकेला रह जाएगा, जो भी उसके पास आने की कोशिश भी करेगा उससे दूर चला जाएगा। अरे यार बॉस, आपने कौन सी चिप डाली है उसके अंदर? अबे बस तू टेंशन मत ले, अब मैं यहाँ से उसकी चिप को कंट्रोल कर सकता हूँ और अब वो सबसे दूर हो जाएगा, जो कि मुझे चाहिए था। अब उसको पता लगेगा कि सबसे दूर रहकर कैसा लगता है जब कोई भी तुम्हारे पास ना आना चाहता हो। अरे बॉस आपने सही बदला लिया उससे। अरे बॉस आप कहो तो एक बार देखा हूँ यार, मेरे को देखने का बहुत मन है यार। अबे नहीं नहीं, अगर उसने तेरे को देख लिया तो? अरे बॉस उसने अपनी गाड़ी तो देखी ली होगी। ओ शिट यार, अरे यार गाड़ी तो कहीं और लगा देता यार। अरे शिट, गाड़ी की उसको पहचान है यार, उसको पता लग जाएगा हमने किया उसके साथ ये सब। अरे बॉस आपने पहले नहीं बताया यार, ये बात तो खुद मेरे अभी दिमाग में आई है। अबे जल्दी से जा यार, क्या पता उसने अभी तक गाड़ी ना देखी हो। पर यार मेरे यहाँ के हिसाब से तो वो पक्का घर से बाहर निकल गया अब तक, और अब तक तो वो बहुत सारी तबाही भी कर चुका है। हा हा। अरे बॉस उसको गाड़ी देकर पता लग गया होगा बॉस, मैं एक बार चेक कर कराता हूँ क्या कर रहा है वो। अरे चलो चलो निकल गया, जल्दी से जाकर देख कर आता हूँ, छिप कर देख लूंगा उसको। अरे उसको देखने में बहुत मजा आएगा। कहाँ है वो? बे भाई साहब इसकी ऐसी तैसी, ये भाई साहब इस दरवाजे से बाहर कैसे आया बे? ये चोटी वाले बंदे को तो मैं जानता हूँ भाई साहब, इसकी ऐसी तैसी। भाई साहब ये दरवाजे पे क्या कर रहा है, इसके अंदर क्या कर रहा था? ओए तेरी की। अरे ये कुत्ते ने देख लिया क्या? हुश हुश। बे भाई साहब हुश हुश बोल रहा है मेरे को? अरे तू बोलता है भाई साहब, काटता भी हूँ तेरी ऐसी तैसी। भाई साहब क्यों भाई साहब, उस दरवाजे से बाहर कैसे निकला भी, क्या कर रहा था वो उसके अंदर? ओ तेरी की, ये ले भाई साहब, ये ले भाई साहब, दांत दांत। अरे भाई इतने दिनों के बाद कुछ खाया? अरे यार चुप, ये तो वही सुपरस्टार का बॉडीगार्ड है यार, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? भाई साहब मेरे घर के पास वाले दरवाजे से बाहर आया, ये उसके अंदर कुछ कर रहा था। अरे अच्छा अच्छा यार, तो ये लोग उसके अंदर है, इन्होंने यार फैंकल भैया के साथ इन्होंने कुछ कर दिया है यार। ओ भाई साहब तो ये सब कर रहे हैं ये लोग, बे क्या बदला लेने का तरीका है बे, पर कैसे कर रहे हैं ये? अरे आजा आजा जल्दी से यार, उस दरवाजे के अंदर होंगे पक्का ये। अरे यार फैंकल भैया को बताना पड़ेगा। अरे फैंकल भैया, फैंकल भैया। हाँ हाँ सिंजर बोल बोल। अरे यार सबसे पहले आप यार मेरे से थोड़ा दूर रहो। अबे सॉरी 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 बोल बोल। अरे यार फैंकल भैया मुझे पता लग गया है यार, अरे चोप के घर के पास जो दरवाजा है यार उसके अंदर से ये बाहर निकला है बॉडीगार्ड यार, चोप खा गया उसको। क्या बॉडीगार्ड इसकी ऐसी तैसी भाई साहब, कहाँ है? बे कलुए तू इधर मत आना बे, मैं उड़कर साथ वाले घर पे चला जाऊंगा यार, मैं देखता हूँ बे उसके अंदर दरवाजे के अंदर जाकर कौन है। अबे जल्दी से देख यार इनकी ऐसी तैसी यार, जल्दी से जाओ तुम। अरे यार हाँ हम जाते हैं यार। अरे चोप जल्दी से चल यार। अरे यार ये मैं कैसे यार, पता नहीं कहाँ कहाँ से जा रहा हूँ। अरे यार चोप छिप मत यार, फ्रैंकल भैया तेरे पास नहीं आएंगे, चल जल्दी से हमें देखना पड़ेगा। मैं भाई साहब चल चल यार, मैं इसको खा गया यार, जल्दी से चल। अरे आजा आजा देखे यार इसके अंदर वो क्या कर रहे हैं। अरे चल यार अंदर जल्दी से। अरे हा हा, अब तक तो वो बहुत परेशान हो गया होगा, इसको फुल कर छोड़ देता हूँ, आराम से दुखी हो जाएगा अब तो वो। अरे यार अंकल कमरा तो अच्छा बनाया है। अरे बस यार एक घंटे में कितना ही अच्छा कमरा बन जाएगा, क्यों? भाई साहब बिल्कुल यार, ये सोडा कैन भी अच्छा है। ओए तुम सब अंदर कैसे आए? अरे अंकल जो अपना भोंदू बॉडीगार्ड रखा है यार उसको चेंज करवा लो, कोई फायदा नहीं है। अबे तुम्हारी तो ये ले भाई साहब, तेरी तो ये भी ले भाई साहब, तेरी ऐसी तैसी में लात कैसे मारी तूने मेरे को। अरे 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 यार। अबे यार गाइस ये चोप के घर के पास जो कमरा यार ये खुल कब गया और इसके अंदर ये सब कब घुस गए? अबे यार शिनचैन चोप क्या कर रहे हो अंदर यार, मैं भी आया। ओ तेरी की क्या चल रहा है यहाँ पे? अबे तेरी की। अरे यार फैंकल भैया यार आप क्यों आए यार, अरे आपसे दूर चले जाएंगे हम। ओहो हो सुपरस्टार जी कैसे हो? अरे यार तू अंदर आ गया, सारा प्लान चौपट हो गया यार। अरे चल फ्रैंकलिन यार बात कर सॉल्व कर लेते हैं यार इस मैटर को। हाँ हाँ जो मैं मुझे दर्द दिया वो। अबे तूने भी तो सबको मेरे से दूर किया था, मैंने भी तेरे से सबको दूर कर दिया। हाँ हाँ ये भाई साहब कुछ ये नहीं चल रहा कि हाँ तू मेरे से सबको दूर कर देगा, मैं तेरे से कर दूंगा। चल नीचे जल्दी से भाई साहब, ले ले साइड हो गया। अरे शुक्र है भाई साहब, कलवे यार इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते। अबे यार पर मैं ठीक कैसे करूं यार, अबे मेरे को ठीक कर सबसे पहले। अरे मेरे को नीचे उतारेगा तब करूंगा। नहीं नहीं मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है। अरे यार फैंकल भैया आपके अंदर इसने कोई चिप डाल दी है यार, अगर इसने कुछ ज्यादा कर दिया तो आप फट जाओगे। अबे नहीं यार मैं फटना नहीं चाहता यार। अबे यार गाइस चलो इसको ही तोड़ देता हूँ। अरे नहीं 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 इसको मत तोड़ना। हाँ हाँ इसको तोड़ूंगा तभी भाई साहब मुझे लगता है मैं ठीक होऊंगा। तेरी ऐसी तैसी सारे कंप्यूटर व्यूटर तोड़ दूंगा, तेरे कीबोर्ड भी तोड़ दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं। अबे अबे तू नीचे आ गया भाई साहब, कल ये कुछ भी नहीं लग रहा आप तो। अरे यार हो गए आप ठीक हो गए यार। अबे रुक रुक मैं पास तो आ पा रहा हूँ ना भाई साहब, और कितना पास आएगा बे। अबे यार गाइस चलो मैं ठीक हो गया, अब इसको मैं बताता हूँ। अरे फ्रैंकलिन छोड़ना यार। हाँ हाँ छोड़ता हूँ, आजा जा बाहर, आजा बाहर आकर बात करते हैं ना प्यार से। अरे यार फ्रैंकलिन वो मैं क्या बोल रहा था, छोड़ना यार, बदला बराबर का तो हो गया। मेरे से थोड़ा बहुत पैसे ले लेना और क्या हो सकता है। हाँ 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 तूने मेरे साथ इतना कुछ किया उसका तो कुछ भी नहीं ना। अरे चल तू क्या
पैसा चाहिए, ले लेना यार, बदला बराबर तो कर लिया हमने। हाँ बराबर कर लिया। अरे इतना पास क्यों आ रहा है? अबे चेक कर रहा था कि अगर मैं किसी के पास जाता हूँ तो वो मेरे से दूर तो नहीं जाता। भाई साहब तेरी ऐसी तैसी। अबे यार क्यों मार रहा है? मैं मारूंगा ना तेरी तो भाई, मेरा पूरा जीना हराम कर दिया तूने एक दिन के लिए। एक दिन के लिए भाई साहब सुपरस्टार के मार पड़ती हुई अच्छी लग रही है। अरे यार गाइज आपको आज की वीडियो कैसी लगी यार बताना जरूर यार, कमेंट कर देना। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। हाँ गाइज अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइज जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद एंड वंदे मातरम। बे भाई साहब टाटा भाई।